गाइस इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, आप यूएस टैक्स फॉर्म आप फिलअप करते हैं, सबमिट करते हैं, फिर भी आपका एक प्रॉब्लम देखने को मिलता है। सबसे ऊपर ये वाला देख सकते हैं, ये वाला प्रॉब्लम आपको फिर से फिलअप करने के लिए बोला जाता है, फिर से सबमिट करने के लिए बोला जाता है यूएस टैक्स फॉर्म। तो इसे इस प्रॉब्लम से कैसे आप निपटेंगे, क्या तरीका है, सही तरीका क्या है, जो आपको बार बार परेशान ना होना पड़े, तो बिना देरी के लिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। तो मोबाइल की स्क्रीन में चलिए आप इस तरीके से आप भी सीख सकते हैं और चेक कर सकते हैं किस तरीके से एडसेंस चेक किया जाता है। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्रोम पर सर्च बार देख रहे हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे, देख सकते हैं एडसेंस लिखा हुआ है, आप इस तरीके से टाइप कर लीजिएगा, इसे सिलेक्ट करेंगे मेरा ऑटोमेटिक चला जाएगा। यहाँ पर क्लिक करेंगे और सबसे पहले आपको डेस्कटॉप मोड कर लेना है, मेरा किया हुआ है, देख सकते हैं थ्री डॉट में क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पर डेस्कटॉप मोड किया हुआ है। तो चलिए बता जाते हैं और यहाँ पर क्लिक करते हैं, सबसे ऊपर वाले वेबसाइट पर ये वाला इंटरफेस खुल जाएगा, देख सकते हैं साइन इन, यहाँ पर क्लिक करेंगे, देख सकते हैं यहाँ पर साफ साफ दिखा रहा है मैनेज टैक्स इन्फो। तो चलिए अब आपको दिखा देते हैं, मेरा यूएस टैक्स सबमिट किया हुआ है, यहाँ पर क्लिक करेंगे, दोबारा क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा, देख सकते हैं पूरा अप्रूव है। ये वाला पॉपअप नोटिफिकेशन को कैसे आप हटाएंगे, तो बैक आ जाते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर ये वाला ऑप्शन हट ही नहीं रहा है। आप सोच रहे हैं जब आपका क्या सबमिट हुआ है या नहीं, आपको समझने में दिक्कत हो रहा है, आप समझ नहीं पा रहे हैं प्रॉब्लम क्या है, तो आपका कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपको ठीक से रीड कर लेना है। तो डिसमिस वाला ऑप्शन यहाँ पर आपको क्लिक करना है, इस तरीके से हटा देना है, देख सकते हैं हट चुका है, इस तरीके से आप भी हटा लीजिए। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।